मजदूर हो चुका था और पैसा भी डाल के गई थी वो फिर से गांव में कि ये काम हो जाए और सरकार बीच में बदल गई। इस सरकार ने आया हुआ मजदूर पैसा भी गांव में नहीं लगाया। तो इस प्रकार से जो बजट हमारे इलाके के लिए था उसको इस्तेमाल नहीं किया। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि चौधरी बंसीलाल ने अपने टाइम पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल भिवानी में बनाया एशिया में था। और उनकी इच्छा थी कि मेडिकल कॉलेज इस इलाके में हो। जब मैं एमपी थी 250 करोड़ रुपए की लागत से उसको मंजूर कराया मेडिकल कॉलेज को। और आपने पेपर पढ़ा होगा कि वो 250 करोड़ रुपया ताज्जुब करोगे क्यों का क्यों आज के दिन बजट में पड़ा हुआ है और इस सरकार ने केवल एक पत्थर लगाया है और उस कॉलेज को नहीं बनाया। तो सारी चीजें आप जानते हैं, लंबी चौड़ी बात बातों का अंत नहीं। बीजेपी ने हर झूठ बोला, 15 लाख रुपए का जुमला किया, 15 लाख रुपया पहले तो बोला वादा करते। नरेंद्र मोदी ने कहा पूरे देश भर पर भ्रमण करके ये कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे और फिर 15 लाख हर एक के खाते में जमा करेंगे। और जब पावर आए तो हल्के मन में टाल दी बात, कह दी जैसे वो बात में कोई कमी नहीं, कहा वो चुनाव लड़ेगा। इसी प्रकार बीजेपी के सांसद ने वो काम किया, 4 लाख वोट से जीत के सांसद गया और 2.5 साल पहले ये कह दिया कि मैं चुनाव के काबिल, मैं लोकसभा के लायक नहीं। जब सांसद कह देगा 2.5 साल के अंदर अंदर कि मैं काबिल नहीं हूं तो वो हल्का क्या करेगा, कहां जाएगा? और दुख की बात है कि बीजेपी ने ऐसे बयान पे कोई कार्रवाई नहीं करी, करनी चाहिए थी कार्रवाई, क्योंकि लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा और मजाक नहीं हो सकता कि आप जीत के निकलो और फिर कह दो कि ये मेरा काम है। आने वाले समय में आपको मालूम है, आपने अखबार भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ किया है, उस प्रकार हरियाणा प्रदेश में भी किसान का कर्जा माफ होगा। 72,000 रुपया गरीब को मिलेगा और ये साल का सालाना 72,000 रुपया गरीब को मिलेगा। और ये जो 72,000 ये महिलाओं के खाते में आए, ताकि इधर उधर ना कोई इसको गलत इस्तेमाल करे, जो हमारी माताओं बहनों के खातों में जाएगा ताकि वो अपना घर अच्छी तरह से चला सके और सही काम पे लगा सके। बड़े बुजुर्गों का पेंशन बढ़ के 3,000 रुपया होगा और 3 लाख से ज्यादा जो खाली आज के लिए नौकरियां हैं उनके पास जाएगा। तो ये सारी बातें तो होंगी, इसके अलावा जितने भी हमारे एक एक घर से बोरवाला गांव में मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जिताइएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि कभी ये हमारा हलका चौधरी बंसीलाल के टाइम पे राजनीतिक केंद्र था, यहाँ से राजनीति शुरू हुआ करती थी और आप मार्गदर्शन पूरे प्रदेश का किया करते थे। हम चाहते हैं
चौधरी इस हलके को एक बार फिर नेतृत्व दे और चौधरी बंसीलाल का नाम और काम उसी तरीके से आगे बढ़ाए। साथ साथ मैं एक बार फिर अपने बड़े बुजुर्गों को और प्यारे प्यारे माता और बहनों को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको एक दिक्कत है, ये कौन ले गया है और अपने में से आप सक्षम कर